शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। गेहूं के निर्यात को लेकर रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनातनी जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया में बढ़ रही गेहूं की कीमत के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते रूसी मालवाही जहाज माल की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। बार बार कहे जाने के बावजूद पश्चिमी देश खाद्यान्न आपूर्ति के लिए प्रतिबंध हटाने को तैयार नहीं है। पुतिन ने यूक्रेन के बंदरगाहों पर खाद्यान्न लदे जहाजों को रोके जाने के आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि पश्चिमी देशों को रूस से समस्या है तो वे बेलारूस पर लगे प्रतिबंध हटाकर वहां से यूक्रेन के गेहूं की आपूर्ति शुरू करा सकते हैं। जबकि अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन से गेहूं की आपूर्ति न होने के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र गेहूं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने खाद्यान्न और उर्वरक आपूर्ति में बना गतिरोध जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई है। वहीं ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने भी रूस और यूक्रेन से गेहूं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। उन्होंने गेहूं को हथियार न बनाए जाने की अपील की है। विदित हो कि रूस और यूक्रेन गेहूं के बड़े निर्यातक देश हैं। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के चलते रूस गेहूं की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है और यूक्रेन के बंदरगाहों पर कब्जे और काला सागर में रूसी सेना की नाकेबंदी से यूक्रेनी गेहूं का भी निर्यात नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।